गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डू रिमेनिंग एक्सरसाइज वर्क ऑफ लेसन टेन टाइटल इज आई वॉन्ट सो यू ऑल हैव टू ओपन पेज नंबर हंड्रेड इन योर इंग्लिश कोर्स बुक ग्रामर सीट फर्स्ट क्वेश्चन है इसका रीड द सेंटेंसेस अली वाज टॉल मीना वाज शॉर्ट तो ये दो सेंटेंसेस है इनको जोड़ने के लिए बट का यूज किया गया है जैसे ये है अली वाज टॉल फुल स्टॉप हटा देंगे इसकी जगह हम लिखेंगे बट बट मीना वाज शॉर्ट अली लंबा है लेकिन मीना छोटी है रिया गोट द प्राइज रिया रिया को प्राइज मिला रिया वॉज सैट रिया उदास थी रिया गोट द प्राइज बट शी वॉज सैट तो हमने यहाँ पर रिया की जगह पर नाउन का यूज किया शी का कि रिया को प्राइज मिला लेकिन फिर भी वह उदास थी इन देंटेंसिज एब इन देंटेंसिज एब वट हैपन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम वट हैपन्स इन द सेकेंड वन वी ज्वाइन सच सेंटेंस यूजिंग बट तो हमने इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज किया बट का तो ई पार्ट है इसका ज्वाइन दीवन सेंटेंस यूजिंग बट इन योर नोटबुक तो हमें बोला गया है इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बट का यूज करो और उसको कॉपी में करना है आपने फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक शुगर फुल स्टॉप आई डोंट लाइक चॉकलेट सो यू ऑल हैव टू ओपन इंग्लिश नोटबुक्स तो हमने इसको कॉपी में करना है तो कॉपी में हम लिखेंगे ऊपर लेसन टेन आई वांट पेज नंबर हंड्रेड ताकि आपको दिक्कत ना हो पहचानने में ई e. क्वेश्चन मैंने ये नोट डाउन कर लिया है यहां पर आप भी ऐसे लिख देना जॉइन द गिवन सेंटेंस इज यूजिंग बट इन योर नोटबुक ठीक है या इन योर नोटबुक आप नहीं लिखोगे ठीक है ये बाय मिस्टेक नोट हो गया था तो यूजिंग बट तक ही रहने दीजिए आप ठीक है ज्वाइन द गिवन सेंटेंसिस यूजिंग बट इन सेंटेंसेस को आप ज्वाइन करो बट का यूज करके अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था आई लाइक शुगर फुल स्टॉप आई डोंट लाइक चॉकलेट तो मैंने क्वेश्चन ये वाला नहीं उतारा है इस इनके मैंने आंसर आंसर ही लिखे हैं जैसे आंसर वन आई लाइक शुगर बट आई डोंट लाइक चॉकलेट कि मुझे शुगर पसंद है लेकिन मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है दूसरा पॉइंट है दे केम होम वो घर आए फुल स्टॉप वी वर नॉट देयर लेकिन हम वहाँ नहीं थे तो हमने ऐसे लिखा दे केम होम बट वर नॉट देयर ठीक है वो घर आए लेकिन हम वहाँ घर पर नहीं थे ठीक है दोनों सेंटेंसेस को मैंने बट का यूज करके ज्वाइन कर दिया थर्ड वन इज द जिराफ इज अ टॉल एनिमल जिराफ एक लंबा जानवर है इट कैन नॉट रन फास्ट वो दूर वो तेज नहीं भाग सकता है तो हम इसका आंसर लिखेंगे द जिराफ इज अ टॉल एनिमल बट इट कैन नॉट रन फास्ट की जिराफ एक लंबा एनिमल है लेकिन वो तेज नहीं भाग सकता है फोर्थ सेंटेंस है आई हैव वाइट शूज दे आर डर्टी मेरे पास वाइट शूज है लेकिन uh, मेरे पास वाइट शूज है फुल स्टॉप दे आर डर्टी वो है गंदे है तो हम इसको लिखेंगे आई हैव वाइट शूज बट दे आर डर मेरे पास वाइट शूज हैं लेकिन वो गंदे हैं तो देखा आपने इन चारों सेंटेंसेस में हमने बट का यूज करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर सिंगल सेंटेंस कर दिया ठीक है दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग बट ठीक है तो इसके बाद ये वाला काम मैंने आपको आ, इससे पहले वाली क्लास में करवा दिया था एडवर्ब्स वाला तो ये आपका पूरा हो गया इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपका ये क्वेश्चन रहता है राइटिंग टाइम डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर इन योर नोटबुक इन अबाउट फाइव सेंटेंसेस ठीक है तो ये देखो ये एक आ, सीन बना हुआ है तो ये पिक्चर में एक, एक किसका है ये मार्केट तो ये एक मार्केट सीन है हमें ये तो पता लग गया मार्केट लिखा है ये एक मार्केट सीन है ठीक है तो हमें इसके बारे में फाइव सेंटेंस लिखने हैं अपने नोटबुक में सो यू ऑल हैव टू ओपन योर इंग्लिश नोटबुक अगेन तो आप ऐसे ही जे उसी के उसी से ये जो हमने अभी किया है बट का काम इसी के नेक्स्ट पेज पर आप कर लेना या उसी के नीचे शुरू कर देना लेकिन जे जरूर लिखना ताकि पता लग जाए जे पार्ट है हमारा ऐसे डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर इन योर नोटबुक इन अबाउट फाइव सेंटेंसेस तो यहाँ पर आप वो वाली पिक्चर एक बना लेना कौन सी वाली जो आपकी बुक में गिवन है ये वाली ठीक है चाहे इसकी आप फोटो कॉपी करवा लेना फोटो कॉपी करवा के इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना ठीक है तो फर्स्ट सेंटेंस है क्लोज टू माय हाउस इज द डैश मार्केट तो यहाँ पर आपने उस मार्केट का नाम लिखना है जहा वो आपके घर के पास पड़ती है जैसे आप दिलशाद गार्डन के पास रहते हो तो दिलशाद गार्डन मार्केट कर देना तो जो भी आपके पास घर के पास मार्केट है वहां, पर, वहां का नाम आपने यहाँ लिखना है कि मेरे घर के पास मान लो यहा मैंने लिख दिया गांधी मेरे घर के पास गांधी मार्केट है क्लोज टू माई हाउस इज द गांधी मार्केट सेकेंड लाइन है इट इज ऑलवेज क्राउडेड वहां हमेशा भीड़ रहती है थर्ड पॉइंट है वी बाय क्लोथ्स शूज वेजिटेबल्स एक्सेट्रा फ्रॉम दिस मार्केट वहां से हम कपड़े जूते सब्जियां और भी कई सामान लेते हैं ठीक है ये फ्रॉम है एफ आर ओ एम फ्रॉम दिस मार्केट फोर्थ लाइन है आई एंजॉय लुकिंग एट द गुड्स इन द वेरियस Shops. मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर देखना अलग अलग दुकानों में सामान पड़े हुए जो होते हैं उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है फिफ्थ आई ऑफन गो टू द मार्केट विद माई ब्रदर मैं अक्सर मार्केट अपने भाई के साथ जाती हूँ या जाता हूँ सिक्स लाइन मैंने यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा लिखवा दी है आपको तो कोई बात नहीं एक्स्ट्रा लिखवा दी है आप लिखना चाहो तो लिख लेना नहीं तो फाइव ही लिख लेना आई लाइक गोइंग टू द मार्केट बिकॉज इट इज अ कलरफुल प्लेस मुझे मार्केट जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां वह एक कलरफुल जगह है ठीक है तो ये हमने फाइव लाइन्स सिक्स लाइंस लिख दी है मैंने आप चाहो तो फाइव लिख लेना ऐसे ही आपने यहाँ आप मार्केट से जो फोटो है पिक्चर है उसकी फोटो कॉपी जिनका वर्क बेटर है वो यहाँ ड्रॉ भी कर सकते हैं तो यहाँ वो पिक्चर पेस्ट कर लेना उसके बाद आप ये लाइंस उसके नीचे लिख देंगे ठीक है तो इसके बाद आज आपका ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया है तो जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप होमवर्क करेंगे और जो मैंने काम आपको नोटबुक में करवाया है वो नोटबुक में पूरा करके रखेंगे जो बुक में करवाया है वो बुक में पूरा करके रखेंगे तो बच्चों इससे पहले वाला जो हमने लेसन किया था लेसन नंबर नाइन द इज फॉलिंग कि आसमान गिर रहा है तो इसमें ये वार्म अप सेशन था कैन यू आइडेंटिफाई दिस पंचतंत्र टेल्स तो पंचतंत्र की जो कहानियां होती हैं उसमें ये ये जो आपके जो भी ये करेक्टर्स हैं उनको आपने ये किस किस की कहानियां हैं जैसे ये कहानी कौन सी है ये वाली कहानी कौन सी है तो इनके ये जो करेक्टर्स की पिक्चर्स दे रखे हैं इनको पहचानते हुए आपने उस कहानी का नाम नीचे लिखना है ठीक है तो ये भी आपका क्या है होमवर्क है ये तो ये भी आपने इस कहानी के चित्र को पहचानते हुए आपने उस कहानी का नाम नीचे लिखना है ये आपका रह गया था तो मैंने आज की क्लास में ये भी आपको बता दिया है कि ये आपका होमवर्क है और अब आप आपके लेसन नंबर नाइन और टेन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं तो सब बच्चों ने इन दोनों लेसन को अच्छी तरह से रिवाइज करके और कंप्लीट करके रखना है बुक का काम का बुक वर्क में और कॉपी का काम का कॉपी में ठीक है तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद